ओके हेलो क्लास नाइन्थ। नाउ क्लास नाइन्थ टुडे वी आर रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 3, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। एंड इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव डन, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिराइव द न्यूटन 3 इक्वेशन। तीनों की तीनों इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव की है। सो उसी को थोड़ा सा पहले देख लो। द फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, इट इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। एंड थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। दीज आर द 3 इक्वेशंस। दीज इक्वेशंस सेज यू कि जब एक्सेलरेशन कितनी है आपकी, ए है। मींस कि जब बॉडी ग्राउंड पे चल रही है और वहां पर एक्सेलरेशन कितनी है उसकी, ए है। बट इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी को अगर आप ऊपर फेंक दोगे, इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वहां पर जो ये ए है इट्स चेंजेस विद जी। जो ये ए है जी से चेंज हो जाएगा। इन दैट केस तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन विल बी यू प्लस जी टी एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। तो इन दैट केस वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दैट मीन्स ए को आप जी से चेंज कर देंगे। सो द इक्वेशन विल चेंज इन दिस वे। इफ द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, तो अपवर्ड जा रही है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। सो इट मीन्स के जो ये प्लस साइन है ये माइनस से चेंज हो जाएगा। जो प्लस साइन है माइनस से चेंज हो जाएगा। एंड इफ द बॉडी इज कमिंग टूवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज मूविंग टूवर्ड द ग्रेविटी। तो इन दैट केस ये प्लस ही रहेगा। ओके सो दिस इज फॉर द बॉडी विच इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सो लॉज ऑफ मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, वी आर हैविंग 3 लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास क्या है, 3 लॉज ऑफ मोशन है विच इज गिवन बाय द न्यूटन। ओके न्यूटन ने दिए हैं। इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है, इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके लॉ ऑफ इनर्शिया आपको क्या बोलता है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट। बट एक चीज और कि यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनर्शिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी डू नॉट वॉन्ट्स टू चेंज इट्स इनिशियल स्टेट। क्लियर के इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ अ बॉडी। वी कैन से इट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड द बॉडी डू नॉट वॉन्ट्स टू चेंज इट्स इनिशियल स्टेट एट एनी कॉस्ट। वो बॉडी जो है अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज करने करना नहीं चाह रही है, चेंज करने की इच्छुक नहीं है, अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाह रही है। इफ दिस मार्कर इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ये तब तक वहां पड़ा रहेगा जब तक आप इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको आगे मूव नहीं कराएंगे। सो टेबल के ऊपर पड़ा है, सो दैट इज द इनिशियल, दैट इज द इनिशियल स्टेट। खुद ये मार्कर अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द मार्कर, देन द मार्कर इज मूविंग। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी बाय अंडर विच द बॉडी डू नॉट वॉन्ट्स टू चेंज इट्स इनिशियल स्टेट। अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज करना बॉडी नहीं चाह रही है। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द बॉडी इज मूविंग, मीन्स के जो मूवमेंट है वो क्या है, उसकी इनिशियल स्टेट है। इफ द बॉडी इज मूविंग इट्स कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन मूविंग अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। जब तक के आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी नहीं रुकेगी। ओके एंड इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी विल कीप रेस्टिंग अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू मूव इट फ्रॉम दैट पोजिशन। मीन्स के रेस्ट में बॉडी है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस बॉडी को मूवमेंट में नहीं लेके आओगे। ओके सो दैट मीन्स एक दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मीन्स के बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। एक हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, के बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक के आप उसकी मोशन को डिस्टर्ब नहीं करोगे, जब तक आप उसकी मोशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे तो बॉडी क्या होगी, मोशन में ही रहेगी।
उसके बाद नेक्स्ट आपका बेटा आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है आपको, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है ये, प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। सेकंड लॉ जो न्यूटन ने दिया है वो लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के जो अप्लाइड फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स के जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ही बॉडी के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस करोगे, उतना ही ज्यादा बॉडी का मोमेंटम होगा। दिस इज द सेकंड लॉ गिवन बाय द न्यूटन। इस सेकंड लॉ को हम लोग रियल लॉ भी बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट अ रियल लॉ, बिकॉज इस लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट लॉ और जो लास्ट का थर्ड लॉ है उन लॉज को भी हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। ओके, कैसे डिराइव करते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अभी क्या माइंड में आपने रखना है कि ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल लॉ बोल रहे हैं। रियल लॉ क्यों बोल रहे हैं, तो रियल लॉ इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इस लॉ की हेल्प से बाकी के जो लॉज हैं, दैट मीन्स द न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, उसको भी हम लोग इसकी हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल लॉ। ओके, सो आज अभी बैठ के न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आ जाओ, वहां से न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ देखो। इफ यू हैव एनी क्वायरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, ओके, जस्ट आस्क मी दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन वहां से आपने मुझसे पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं आपने किए हैं तो जस्ट फिनिश द क्वेश्चन आंसर्स। किसी क्वेश्चन में आप फंसे हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है, तो आस्क मी दैट क्वेश्चन। ओके, सो फॉर टूडे वी आर डूइंग ओनली टिल हियर ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई दिस लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ, और थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।